इस वीडियो में आप कुछ ऐसे दुर्लभ बंदरों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपको शायद पहले पता नहीं होगा। इनमें से कुछ बंदर बहुत ही खूबसूरत है तो कुछ दिखने में बहुत ही अजीब। कुछ बंदरों की पूंछ बहुत बड़ी है तो कोई बंदर बहुत छोटे है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, सायमैंग। सायमैंग भी गिबन परिवार के ही बंदर होते हैं, लेकिन ये आकार में गिबन से दोगुने होते हैं। ये मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। सायमैंग पीछे से दिखने में चिंपैंजी की तरह लगती है, लेकिन इनकी गर्दन इन्हें बाकी सभी बंदरों की प्रजाति से अलग बनाती है। इनके गर्दन में एक थैली लटकी होती है जो आकार में इनके सिर जितनी ही होती है, जिसका इस्तेमाल ये अलग अलग ऊंची आवाजें निकालने के लिए करती है, और इसमें ये खाने को भी सुरक्षित रख सकती है। 9. गिबन। ये बंदर भारत, चीन, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये छोटे आकार के बंदर होते हैं और इनकी खास बात होती है कि ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही जीवन साथी के साथ गुजारते हैं। इन्हें पहचानना भी बहुत आसान होता है क्योंकि नर गिबन काले रंग के होते हैं जबकि मादा गिबन सफेद रंग की होती है। ये बंदर कुछ न कुछ शरारती हरकत करते रहते हैं जिस वजह से लोगों को ये बहुत प्यारे लगते हैं। 8. ब्लैक एंड व्हाइट कलोबस। ये बंदर अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनके नाम के मुताबिक ये काले और सफेद रंग के होते हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनके शरीर में जहाँ पर भी सफेद रंग होता है वहाँ के बाल बहुत लंबे होते हैं। खासतौर पर इनके पूंछ भी सफेद और काले रंग के होते हैं, लेकिन सफेद रंग इनके पूंछ के अंत में होता है, जिससे इनकी पूंछ बहुत लंबी और आकर्षक लगती है। अपने इन लंबे सफेद बालों की वजह से जब ये पेड़ों में छलांग लगाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हो। 7. द ब्रैक्सिस मंकी। ये बंदर सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले बंदर है और ये दिखने में बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत अलग होते हैं, जिनके माथे पर संतरी रंग के बाल होते हैं और सफेद रंग की दाढ़ी होती है। इनके माथे के संतरी बाल इन्हें दिखने में बाकी बंदरों के मुकाबले अलग बनाते हैं। 6. मैंड्रल मंकी। मैंड्रल सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाली बंदरों की प्रजाति है और ये दुनिया के सबसे रंग बिरंगे स्तनधारियों में से एक है। मैंड्रल का मुंह लंबा होता है और मुंह में नीला, सफेद और लाल रंग का डिजाइन बना होता है। मैंड्रल बहुत बड़ा मुंह खोल सकते हैं और इनके दांत भी बहुत बड़े होते हैं, जिस वजह से ये बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और उनके साथ घुलमिल कर रहते हैं। 5. व्हाइट फेस्ड साकी। ये बंदर फ्रांस, ब्राजील, गुयाना और वेनेजुला में पाए जाते हैं। इन बंदरों का ये नाम इनके चेहरे की वजह से रखा गया है, जो पूरी तरह सफेद रंग का होता है जबकि इनका पूरा शरीर काले रंग का होता है। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है और जब ये पेड़ पर बैठते हैं तो सफेद मुंह और काली पूंछ की वजह से किसी पक्षी की तरह लगते हैं। 4. प्रोबोसिस मंकी। ये बंदर बोर्नियो के आइलैंड में पाए जाते हैं और एम्परर टैमरन। ये बंदर ब्राजील, पेरू और बोलिविया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इन बंदरों की खासियत इनकी लंबी मूंछ होती है, जो इन्हें बाकी बंदरों की प्रजातियों से अलग बनाती है। इन बंदरों की मूंछ सफेद रंग की लंबी और दोनों तरफ घूमी हुई होती है। इन बंदरों की मूंछ जर्मनी के प्राचीन सम्राट एम्परर विल्हेल्म II की तरह लगती है। यही कारण है कि इन बंदरों को भी एम्परर नाम दिया गया है। 2. रेड शैंक ड्यूक। रेड शैंक ड्यूक प्रजाति के बंदर लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सबसे रंग बिरंगे बंदरों की प्रजाति में से एक है, इसीलिए ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं। इन्हें बंदरों की रानी भी कहा जाता है क्योंकि इनके सिर पर ग्रे रंग के बाल होते हैं जो किसी मुकुट की तरह लगती है। इन बंदरों की सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ, हाथ की उंगलियां, पैर, पैर की उंगलियां और पूंछ, सभी जगह के बाल अलग अलग रंग के होते हैं और इनके गालों में मौजूद सफेद बाल इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। 1. स्नब नोज मंकी। ये बंदर एशिया के कुछ बर्फीले हिस्सों में पाए जाते हैं। इनके लंबे बालों की वजह से इन्हें ठंडी जगह ज्यादा पसंद है और ये हमेशा झुंड में रहते हैं जिसमें लगभग 600 सदस्य होते हैं, जो अपना अधिकतर समय पेड़ों पर बिताते हैं। इन बंदरों को ये नाम इनके छोटे नाक की वजह से दिया गया है और इनके होंठ भी किसी सर्जरी कराई हुई अभिनेत्री की तरह बड़े और मोटे होते हैं, और यही सब इन बंदरों को बहुत खूबसूरत बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।